ठीक है। सवाल है विधायक जी कि आपके विधानसभा क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक बैठक हुई थी जिसमें ओबीसी कर्मचारियों को अन्य विधानसभा के विधायक के सहयोगियों द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया और अपमान किया गया, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे विधानसभा मंगलमा में गंगेव विकास खंड में 11/7 को एक सम्मेलन का आयोजन किया। वो सम्मेलन सरपंच संघ के द्वारा किया गया, जिसके अब वो संघ के अध्यक्ष माने या क्या है, वो प्रदेश के हैं, बड़े नेता हैं, मुनिंद्र तिवारी का ये पूरा जो रचा हुआ कार्यक्रम है। हमें तो पहले मालूम नहीं था कि ये सरपंच संघ द्वारा ऐसा कार्यक्रम का आयोजन होगा। ये जिस दिन कार्यक्रम होना था उसके पहले रात को मेरे पास 9-10 बजे रात को एक हमारा पत्र लेकर के आए कि आपको उस कार्यक्रम में उपस्थित होना है। हमने सोचा रात के का क्यों 10 बजे लेके आए आप और सुबह कार्यक्रम होना है, कहीं नहीं थोड़ी ऐसी व्यवस्था थी, इस कारण से हम थोड़ा लेट हो गए। हमने कहा ठीक है, क्या हमको उपस्थित होना अति आवश्यक है? कहीं नहीं मान ली, मतलब मन नहीं रहा उनका। ये कहा कि आप जरूर पधारे। हमने दूसरे दिन गए, 11 तारीख को वहाँ जब गए तो कार्यक्रम वहाँ था। मैं पहले कुछ समय पहले पहुँच गया, सभी सरपंच लोग करीबन 25-30 सरपंच थे और आम जन लोग थे, ज़्यादा सरपंच नहीं थे। वो जो करारोपण का पैसा आया था 14वें वित्त वाला, उसी से संबंधित लोग अधिकतम, क्योंकि पीड़ा करारोपण के ही संबंध में ज़्यादा उनको पीड़ा थी और वही अधिकतम लोग थे। कुछ आम जन भी थे, कर्मचारी थे, सचिव संघ के लोग भी थे, परंतु संघ का नाम था पर उतना ज़्यादा सचिव नहीं थे, न कहिए 10-5 लोग थे, जनता वहाँ ज़्यादा थी। माननीय विधायक जी भी पहुँचे, उनका ससम्मान मंच दिया गया, हम भी थे। इसके बाद सरपंच संघ द्वारा ये आदेशित वो बनाए थे कि ये फला फला व्यक्ति सरपंच यहाँ वक्तव्य देंगे, उनके लिस्ट के मुताबिक सरपंच लोग अपनी अपनी बातें रखते। बड़ा आक्रोशित भाषण था कि कांग्रेस के सरकार के समय में ये कमल पटेल द्वारा, कमलेश्वर पटेल माननीय पंचायत मंत्री जी, कमलेश्वर पटेल द्वारा ये जो है तो बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया, पूरे ब्लॉक का जांच करवा दिया, वो सोनी राजेश सोनी का उसकी जांच वाँच के बड़े प्रकरण वो करा दिए। 20 बार जाँच होती है, कितनी बार जाँचें होंगी, इसका कोई वही नहीं रह जाता, तो ये जांच को समाप्त किया जाए। दूसरी बात, मनरेगा का जो हम लोगों ने पैसा लिया तो उसके किस्त निकलवाते हैं, तो ये बसंत पटेल जो है तो निकालते ही नहीं। इस तरह से वो बहुत सारी बातें की, और वो एक जो है जो प्रमुख सचिव थे उसके पंचायत विभाग के, क्या थे वो, क्या नाम था, हो जाती है पैसा हम लोगों को, मतलब नहीं करना चाहिए मनरेगा का काम, जुलानिया जी थे। ऐसा वो कानून में संशोधन कर दिए कि इसके कारण जो है हम लोगों को पंचायतों में बड़ी परेशानी हो जाती है, ऐसा कुछ करके आक्रोश प्रकट करते। मुनिंद्र तिवारी भी भाषण दिए, उन्होंने कहा ये जरूर थोड़ा अभद्र कहना नहीं चाहिए था कि सरपंच संघ द्वारा अगर ये जो है तो बसंत पटेल ये सहायक लेखाधिकारी हैं, इनको अगर तत्काल नहीं हटाया गया तो हम इसको AAO का आइए हैं, AAO हैं को हम जेड बना देंगे और इनको हमारा सरपंच संघ सरपंच मिलकर के पटेल को लुटाल करके मारेंगे, ऐसा करके मतलब थोड़ा वक्तव्य दिए। फिर हमारी भी बोलने का अवसर मिला तो हमने कहा कि मुख्य अतिथि हमारे आए हैं माननीय विधायक जी देखला, तो अब हमको कहने को शेष है नहीं,
अब उनके मार्गदर्शन पे अब वो अपने विचार दें, हम लोग जरा उनके विचारों को सुने। हम तो सब लोगों को नमस्कार चमत्कार करके और उनको संज्ञापन किसी के लिए ही नहीं। विधायक जी बोले कि ये भाई सरपंचों की जो पीड़ा है ये बात तो सही है, परंतु ये पीड़ा कांग्रेस के द्वारा ही की गई और कांग्रेस के मंत्री ने ही खुद किया। और अब मनरेगा का जो काम है, मनरेगा में लापरवाही बरती जा रही, सरपंचों को परेशान किया जा रहा, तो बसंत लाल पटेल को ASZ बना देंगे ऐसा कुछ बोले हैं। और तो गाली वाली ये नहीं, यही वो कहे कि ASZ बना देंगे, हम आए हैं तो कुछ करके ही जाएंगे और इसका निपटारा करेंगे और समस्या जो भी है हम इसका निदान करके ही रहेंगे, ऐसा करके बात की कही। इसमें उन्होंने गाली गुप्ता तो दिया नहीं है माननीय विधायक जी, सिर्फ इतना ही कहें और ये कहे हैं कि 10 दिन के अंदर हम इसको हटवा के ही रहेंगे। लेकिन विधायक जी एक सवाल ये था कि आपके विधानसभा क्षेत्र का था, अभी OBC ने आपको ही ज्ञापन सौंपा है, इसमें आप क्या कार्रवाई करवाएंगे? अब OBC ने ज्ञापन सौंपा है, अब OBC का कहना है कि हमारे समाज को अपमानित किया, अभद्र बातें कही, तो अब समाज को अपमानित किया है तो अब भाई उनका जो है तो अब वो करेंगे। दूसरा सवाल विधायक जी आपसे है कि आपके ही विधानसभा क्षेत्र गगे ब्लॉक में कराधान रोपण का ही फर्जीवाड़ा ही का पैसे निकाला गया। एक मिनट विधायक जी, जब मीटिंग हुई देवतलाव विधायक जी ने कहा कि इसमें कोई अब जांच नहीं होगी, लेकिन अगर कानूनन और नियमन से ही पैसे निकाला गया, कहीं ऐसा ही नियम है कि बिगर काम करारे पैसे ही पूर्णतः है निकाल लिया जाए, अगर ऐसा कानून है तो जांच नहीं हो, अगर है तो विधायक जी किस हिसाब से कहे कि जांच नहीं होगी? देखिए, जहां सरपंचों का सवाल है, सरपंचों ने ऐसा हम नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा काम नहीं कराए, काम कराए हैं, सिर्फ गड़बड़ी कहा हुई है कि जो करा रोपण का पैसा हमारी गंगे विकास खंड में आया और आने के बाद पैसा एक वेंडर के खाते पे जाता है, जिस वेंडर का ना तो कोई कार्यालय है ना तो कोई दुकान है, सिर्फ कागज में वो वेंडर बना हुआ है और वो वेंडर राजेश सोनी जो बाबू है उसका खास व्यक्ति है और उसी के बनवाया हुआ वेंडर है और उसमें जो 12 करोड़ रुपए जो आया था उसमें 8 करोड़ रुपए वेंडर के खाते पे जाता है ब्लॉक से पैसा, और 1-3 दिन के अंदर वेंडर के खाते से पैसा जो है निकल जाता है। हम ये जानना चाहते हैं कि भाई वो 8 करोड़ का व्यक्ति वेंडर है कहाँ, रीवा जिले के अंदर कहाँ पे है, ये हमारे समझ में आज तक नहीं आया कि वो है कहाँ, और 8 करोड़ रुपए 1-2 दिन में निकल जाए ये तो बहुत बड़ी बात। इसमें साफ साफ घपला ये किए हैं, वो वेंडर के खाते में सोनी जी के इशारे पे गया और वेंडर ने पैसा निकाला, अपना कमीशन 20% जो कमीशन है वो रोक करके और उसका पैसा सरपंचों को रिटेन कर दिया है और सरपंच अपनी मनमानी के मुताबिक मटेरियल वो करके और काम करवा दिया। काम हम ये नहीं कह सकते कि अब किस तरह से हुआ है, पर कार्य कुछ हुआ है, अब पूर्णतः अब उसका जो है तो वैल्यूएशन जो है तो SDO सब इंजीनियर करेंगे, अब हम उसके टेक्निकल आदमी तो हैं नहीं कि हम उसको टेक्निकल के रूप में करें, परंतु कार सरपंचों ने कुछ कराया है ऐसा नहीं हम कह सकते कि नहीं कराया है, परंतु पैसा का जो ये गड़बड़ी हुई है ये बहुत विसंगति हुई है। दूसरा, ये राजेश सोनी सरपंचों का पासवर्ड कॉपी और पूरे कागजात अपने उसमें रखता है, अलग कार्यालय ये कौन सा है, बाईपास के पास, रिंग रोड बाईपास के पास वो कार्यालय बनाए है, पूरा काम ब्लॉक का कार्यालय से होता था, कंप्यूटर अलग वो करता था और हमको लगता था कि ब्लॉक में उसके अलावा कोई नहीं और कई विभागों का क्या पद पे है या इसको कितने विभाग दिए गए
वो रिकॉर्ड है हमारे पास, एक या दो विभाग उसके पास था, परंतु जब वहां देखा जाता वो हर विभागों पर काम करता है, सभी मालदार नहीं दिया। जब इसको सस्पेंड कर दिया गया, सस्पेंड करने के बाद जवाब में शायद अटैच कर दिया गया, तो ये प्रश्न हमने किया कि भाई ये अभी चार्ज नहीं दिया है तो के रूप में, परंतु वो जो कायदे से सबसे बड़ा दोषी तो राजेश सोनी है, और राजेश सोनी के साथ साथ उसका वेंडर है जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया कि 8-8 करोड़ 12-12 करोड़ रुपए 2 दिन के अंदर निकल गया उसी खाते से, तो सबसे बड़ा दोषी तो वो है। फिर इसके हमने कहा चल अचल संपत्ति की भी इसकी जांच कराई जाए कि एक बाबू है और बाबू के पास इतनी बड़ी संपत्ति आई ये कहां से आई। फिर एक रोजगार सहायक थी, रोजगार सहायक के नाम से संपत्ति, राजेश सोनी, फिर बगल में उसी का नाम क्या नाम है ठाकुरायन है प्रतिभा सिंह, फिर राजेश सोनी, फिर प्रतिभा सिंह, राजेश सोनी, कई जमीनें उसके नाम है। फिर बाद में शोर शराबा जब हुआ तो उन दोनों का वो करके उसके पिता के नाम वेंडर के नाम, इसी में उल्टा पलटा पूरे संपत्ति का चल रहा है। विधायक जी मेरा यही सवाल था कि अगर इन्होंने घपला की जांच दल भी कमेटी भी कई गठित हुई, कमेटियां भी कई गठित हुई, कलेक्टर द्वारा कमेटी गठित की गई, उसके जांच रिपोर्ट आए कि ये जो है तो राजेश सोनी गलत किया है, और उसके सीओ ने भी रिपोर्ट दिया कि ये गलत किया है और पैसा ऐसा नहीं निकलना चाहिए, कमिश्नर द्वारा भी कमेटी गठित की गई, कमिश्नर के ने अपना जांच दल भेजा जिसमें बड़े बड़े अधिकारियों को उन्होंने लगाया, 7 लोग सदस्य थी या 5 सदस्य थी ऐसे कुछ था, उसमें भी ये रिपोर्ट दिया। विधायक जी मेरे यही बड़ा भ्रष्टाचार किया, परंतु जब रिपोर्ट आई कमिश्नर साहब के पास तो उसमें कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं की गई, और ये बहाना बता दिया गया कि वो हाई कोर्ट से स्टे लिया है, स्टे के आधार से ले दे करके उसको भी समाप्त करने की स्थिति में। मैं ये चाहता हूँ कि इस केस को उठाया जाए ताकि ये सच्चाई मालूम हो सके इतना बड़ा भ्रष्टाचार क्यों हुआ। विधायक जी मेरा यही सवाल था कि आप क्या चाहते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए कि जांच नहीं होनी, अगर जांच होनी चाहिए तो आप क्षेत्रीय विधायक हैं तो आप विधानसभा अन्य जगह में क्यों आप कार्रवाई नहीं करवाते। देखिए विधानसभा में अभी तक तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के लोग या मंत्री ही इंटरेस्टेड थे, मंत्री ने सच्चाई के हिसाब से जाँच कराना शुरू कर दिया, जब जाँच प्रारंभ हो गई तो कोई विधानसभा लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं रहा। फिर अभी इस समय जब से ये सरकार बनी तो अभी तो कोई चांस ही नहीं आया, अगली बार विधानसभा सत्र चली ही नहीं, उठा पटक दाएं बाएं सब लोग चलते चले गए। अभी इस बार जो है 5 दिन का विधानसभा है, 21 तारीख को हम लोगों के पास लेटर आता है, 2 दिन का क्वेश्चन हमें लगाने का था, तो 5 दिन चलेगी, 1 दिन तो आपका उसमें चला जाएगा शोक संवेदना में, 1 दिन चला जाएगा, दूसरे दिन हो आ ये सरकार जो उठा पटक चल रही है इसी में चला जाएगा, खत्म कर देंगे बजट पास पूछ करके कर देंगे। विधायक जी धन्यवाद आपको।